हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज बात करेंगे लॉ नंबर 16 की, जो है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट और ऑनर। अब रॉबर्ट ग्रीन का यहाँ कहना है कि जब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा सर्कुलेशन मार्केट में हो जाता है और आसानी से वो चीज मिलने लगती है, तो उस चीज का दाम कम हो जाता है, मतलब उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। तो ठीक उसी तरह जब हम किसी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं या बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो हम बहुत कॉमन लगने लगते हैं, जिसे यूं भी कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की तरह ही हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है। और इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब थोड़े टाइम के लिए लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। और वैसे आज की कहानी आपके लव इंटरेस्ट में भी मददगार हो सकती है, तो आइए जानते हैं कि क्यों कभी कभी दूरी बनाना अच्छा होता है। तो सर विलियम दे बेलोन एक ट्रूबाडोर थे। अब सब 11 से 13 सेंचुरी के बीच फ्रांस में राजघरानों के पोएट्स, जो कि स्पेशली लव मैटर्स पर पोएट्री लिखते थे, उनको ट्रूबाडोर कहते थे। तो सर विलियम घूमने का शौक रखने वाले आदमी थे और कैसल टू कैसल जाकर वहां राजघरानों के लिए खूबसूरत पोएट्री लिखा करते थे। अब एक बार जब वो जेविए गए, तो वहाँ कैसल में उन्हें एक लड़की दिखाई दी, जिससे मुलाकात होने पर सर विलियम अपना दिल हार बैठे। और इस खूबसूरत लड़की का नाम था मैडम गुइलहेल्मा दी जेविए। तो अब सर विलियम ने मैडम को खुश करने के लिए काम करना शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने मैडम के लिए गाने लिखे, शेरो शायरी की और कविताएं लिखी, और मैडम के साथ चेस भी खेलना शुरू किया, जिसका असर ये हुआ कि अब मैडम भी सर विलियम को पसंद करने लगी थी। और फिर धीरे धीरे उनकी ये पसंद प्यार में बदल गई। अब यहाँ सर विलियम अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनका दोस्त भी आया था, जिसका नाम था सर पियर दे बार्जे। और पियर को भी यहाँ एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जिसका नाम था वियरनिटा। वियरनिटा थी तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे मैनर्स थे उसके, पर वो थोड़ी गुस्सैल थी। और एक दिन पियर और वियरनिटा के बीच किसी छोटी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। तो अब इसी सिलसिले में पियर अपने दोस्त विलियम से सलाह मशवरा करने पहुंचा, ताकि विलियम की मदद से वो वियरनिटा के दिल में फिर से अपने लिए प्यार जगा सके। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। विलियम ने पियर को कुछ सलाह दी, और कुछ दिनों के बाद उस सलाह ने उन दोनों के रिलेशन के बीच जादू जैसा काम किया, और पियर ने फिर से वियरनिटा को पा लिया। और अब ये सब हो जाने के बाद पियर को सब कुछ नया नया लग रहा था। उसको लग रहा था कि उनके बीच प्यार अब 10 गुना बढ़ गया है। उसको इससे ज्यादा गहरे प्यार का एहसास कभी भी नहीं हुआ था, जो कि उसे वियरनिटा को फिर से पा लेने के बाद हो रहा था। और अब पियर ने सर विलियम को बताया कि अगर ज्यादा बड़ी नाराजगी कुछ ज्यादा देर तक रहती है, तो जब वापस सब कुछ सेटल हो जाता है, तो ये नाराजगी बहुत ही मिठास और खुशियों से भरी फीलिंग्स लेकर आती है, जिसको कि वो लफ्जों में बता नहीं सकता। अब एक बहुत बेहतरीन ट्रूबाडोर होने का फक्र सर विलियम को हासिल था, जिसने कि प्यार में होने वाले दुखों और खुशियों को बखूबी महसूस किया था, पर अपने दोस्त पियर के इस एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं। ये सर विलियम के लिए कुछ नया था, तो अब वो भी ये जानना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे कि आखिर वो खुशी होती कैसी है। तो इसलिए अब सर विलियम ने खुद और लेडी गुइलहेल्मा के बीच में कुछ नाराजगी को हवा दी, और फिर इसी के चलते उन्होंने लेडी गुइलहेल्मा को लव लेटर्स भी भेजना बंद कर दिए। और ऐसा किया कि एक दिन अचानक ही कैसल छोड़कर बाहर रहने लगे, और तो और शाम को होने वाली पार्टीज या दूसरे ओकेशंस में भी उन्होंने लेडी गुइलहेल्मा से दूरी बनाए रखी। और अब सर विलियम के इस मिजाज ने लेडी गुइलहेल्मा को बेचैन कर दिया। अब लेडी ने अपने खास मैसेंजर्स को सर विलियम के पास भेजा, ये पता करने के लिए कि आखिर क्यों वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं। और जब मैसेंजर्स विलियम के पास इसी सिलसिले में आए, तो विलियम ने उन्हें वापस लौटा दिया बगैर कोई सवाल जवाब किए हुए, ये सोचकर कि उनकी ये हरकत गुइलहेल्मा को नाराज कर देगी और उसके बाद वो गुइलहेल्मा को मनाने के लिए जाएंगे, और उनको भी उसी असीम मोहब्बत को जानने का मौका मिलेगा, जैसा कि पियर ने बताया था। पर साहब हुआ उसका उल्टा। विलियम की एब्सेंस ने लेडी गुइलहेल्मा उसको अब और भी ज्यादा मिस करने लगी थी। उनका प्यार गुइलहेल्मा के लिए, विलियम के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया था। और इसी के चलते अब लेडी गुइलहेल्मा ने अपने हाथों से लिखे हुए लव नोट्स को अपने खास मैसेंजर्स के जरिए बार बार विलियम के पास भेजना शुरू किया। अब एक लेडी का अपने ट्रूबाडोर को इस तरह फॉलो
फॉलो करना कभी भी देखा या सुना नहीं गया था। और गुलेम को भी ये बात पसंद नहीं आई कि जिसे वो पसंद करता है लगता है उस लेडी में कोई डिग्निटी नहीं है। ये सोचकर उसका अट्रैक्शन लेडी के लिए कम हो गया था। खैर वैसे ये रिएक्शन गुलेम के लिए भी अनजाना था, तो इसलिए अब वो अगले स्टेप को तय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। और फिर सब कुछ भूल कर लेडी गुलहेलमा का उसके पीछे बेसुध होकर पड़ जाना भी उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो इधर अब कुछ महीनों के बाद जब गुलेम ने कोई जवाब नहीं दिया तो फाइनली लेडी गुलहेलमा ने भी उम्मीद छोड़ दी और अपने मैसेंजर्स को भेजना बंद कर दिया। अब गुलेम को लगा कि उसका प्लान काम कर गया है। गुलहेलमा बहुत नाराज हो गई है और यही सोचकर वो बहुत खुश हो गया कि जो प्लानिंग उसने इतने लंबे टाइम से की थी वो कामयाब हो गई है और अब वो अपनी लेडी गुलहेलमा को जाकर मना लेगा और अब उसे वो बहुत अलग बे इंतहा खुशी मिलेगी जो उसको पहले कभी भी नहीं मिली है। अब वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। उसने फौरन अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और अपने बेहतरीन घोड़ों को बहुत खूबसूरती से सजाकर लेडी गुलहेलमा को मनाने के लिए जेवियर पहुंचा। और जब लेडी गुलहेलमा ने सुना कि गुलेम उससे मिलने आया है तो वो दौड़ती हुई उसे देखने के लिए पहुंची। वो गुलेम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके सामने घुटनों के बल आकर वो गुलेम से माफी मांगने लगी, क्योंकि वो समझती थी कि शायद अनजाने में उसकी किसी गलती ने गुलेम को नाराज कर दिया था। अब ये रिएक्शन देखकर गुलेम बहुत कंफ्यूज हो गया और उसका प्लान उसे बुरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि गुलहेलमा उससे कभी नाराज तो हुई नहीं थी बल्कि उसका प्यार गुलेम के लिए और बढ़ गया था। और अब गुलेम को लगा कि एक लंबे झगड़े के बाद फिर से मिलने में जो प्यार महसूस होता है उस ब्लिस उस जॉय को वो कभी भी नहीं देख पाएगा। और ये जानकर कि गुलहेलमा अभी भी उसके लिए बहुत डेस्परेट है उसने एक बार और ट्राई करने के लिए सोचा, तो इसलिए उसने गुलहेलमा को कुछ कड़वी बातें कही जो कि गुलहेलमा को बहुत खराब लगी और वो गुलेम से फिर कभी भी ना मिलने का इरादा करके वहां से फौरन चली गई। और अब जब अगली सुबह हुई तो गुलेम को लगा कि भाई उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपने किए पर वो पछताने लगा। अब उसी वक्त वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और फिर से जेवियर पहुंचा, पर लेडी गुलहेलमा इस दफा उसने मिलने के लिए मना कर दिया, मतलब वो मिलने के लिए बाहर ही नहीं आई बल्कि उसने अपने नौकरों को उसको वहां से बाहर निकाल देने का ऑर्डर दे दिया। और ऐसा होने पर गुलेम वापस अपनी जगह आ गया और अपने कमरे में जाकर अपनी गलती पर रोने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ और वो दुखी रहने लगा और करीब एक साल तक वो गुलहेलमा से नहीं मिल पाया। गुलहेलमा की एब्सेंस ने उसके अंदर प्यार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी दौरान उसने अपनी जिंदगी में लिखी हुई सबसे खूबसूरत पोएम्स में से एक पोएम लिखी जो थी माई सॉन्ग असेंड्स फॉर मर्सी प्रेइंग, मतलब मेरा गीत तुमसे रहम की दुआ करता है। और इस पोएम को उसने गुलहेलमा को भेजा पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर इसके बाद एक के बाद एक उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे और भेजे जिनमें उसको अपने किए पर पछतावा था और उसके लिए उसने गुलहेलमा से माफी मांगी थी। और एक दिन जब ऐसा बहुत हो गया तो लेडी गुलहेलमा को गुलेम की कुछ पुरानी बातें याद आईं। उसे याद आया कि कैसे वो उसके लिए खूबसूरत शायरी लिखा करता था, कैसे वो बातें किया करता था। और यही सोचते हुए गुलेम को माफ करने का मन बनाया, पर गुलेम ने जो उसके साथ इतना खराब बर्ताव किया था उसको इतना तड़पाया था इसलिए उसने एक शर्त रखी कि वो अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून निकाल कर भेजे और एक पोयम के थ्रू अपने दर्द को बयान करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे माफ कर देगी। और ऐसा ही सर गुलेम ने लेडी गुलहेलमा को पाने के लिए किया। और अब फाइनली गुलेम ने एक दूसरे से दूरी के बाद होने वाले उस असीम प्यार की गहराई को पा लिया था। अब सब रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस एक गेम है जिसको कि हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसको ठीक खेलकर हम अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं और गलत खेलकर बिगाड़ भी सकते हैं। और आगे कहते हैं कि अपने अफेयर की शुरुआत में हमें अपने लव इंटरेस्ट की आंखों में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होती है। अगर हम अपनी एब्सेंस मतलब दूरी को बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं तो हमें भुला देना आसान हो जाता है, पर जब हमारे लव इंटरेस्ट के दिल में हमारे इमोशंस हमारे प्यार की फीलिंग्स जड़ पकड़ लेती हैं तो हमारी एब्सेंस दूसरे के दिल में हमारे लिए प्यार को और बढ़ाती हैं। तो साहब इसी के साथ अपना ये लॉ नंबर 16 यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए लॉ के साथ जो है कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसके पहले के लॉज भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज वाइज लिंक्स मिल जाएंगे। अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना टाइम हमें देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।